डांस करो यार। अगर यही माइक हिमेश रेशमिया को दे दिया जाए और उसको बोला करे कि व्लॉगिंग करो तो वो कैसे करेगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी बज रहा है 1 और मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो अभी सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना खाना अपने लिए, क्योंकि मुझे करना है नाश्ता, मुझे बहुत भूख लग रही है। और तो आज हम अपना खाना स्वयं बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं और किचन में क्या क्या है, तो ब्रेड और अंडा वही हम बनाएंगे, वही हम खाएंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ और छोटे मोटे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब मैंने बना के रेडी रखे हुए। तो अभी मैं बनाऊँगा अपना नाश्ता, फिर नाश्ता करने के बाद आज मैं डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ, मैंने कुछ अमेज़न से ऑर्डर किया था वो मैं आपको दिखाऊँगा, तो वो भी आने वाला है। अभी उसका मैसेज मेरे पास आया था। तो चलो सबसे पहले मैं अपना नाश्ता बना लेता हूँ। तो गैस मेरे पास यहाँ पर है गोभी, गाजर और खीरा। तो इन सबको मैं डाल दूंगा ऑमलेट के अंदर, उसका भुरता बना दूंगा। तो ये है ऑमलेट का भुरता। तो ऑमलेट का भरता बनेगा आज, जैसे कि बैगन का भरता बनता है ना, वैसे ही बनाएंगे ऑमलेट का भरता। तो इन सबको बना के और मैं इस ऑमलेट का मतलब ऐसी तैसी करने वाला हूँ। तो फटाफट से मैं इसको बनाता हूँ, मुझे लगी बहुत तेज भूख, तो मैं खाऊंगा ना। गैस ऑन कर दिया है अभी और अभी हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट का भुरता। मैंने डाला हुआ है इस पैन के ऊपर तेल, और तेल से सुंघाया हुआ है, मैंने डाला नहीं है क्योंकि मैं ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डाला हुआ है। तो फटाफट से अभी हम डालेंगे इसमें अंडा। गाइस ये देखिए मेरा अंडा बन चुका है और ये है मेरा अंडा, सुंदर और सुशील। तो गाइस मैं नादक हो चुका हूँ रेडी और बन चुका हूँ लाल परा, और साथ में दर्शी यहाँ पर है और दर्शी देख रही है पहाड़ी गाने। आज तो लड़की बनी हुई है पहाड़न पूरी, तो ये देख रही है पहाड़ी गाने और सुन भी रही है क्योंकि दोनों चल रहा है यूट्यूब पे। और भाई मेरे पीछे क्यों आ रहे हो आप, मेरे खाना तो खाया नहीं, तो खाने में तो ड्रामे करती है, पूछो मत। ड्रामेबाज। तो मैं कर रहा हूँ 1 घंटे से इंतज़ार अमेज़न वाले का कि कब वो डिलीवरी लेके आएगा, कब मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, बट पता नहीं कब लेके आएगा। और ये घड़ी समाप्त क्यों नहीं होती है वेट करने की। गिर गए, समझ भी नहीं पा रहे हम तो। चलो खड़ो। तो जी डांस दिखाओ, डांस करो। तारशी डांस करो, बेबी डांस करो यार। वाओ व्हाट अ डांस, एक नंबर का डांस कर रही तुम। लेके आई हो मौसमी, खाओगी क्यों नहीं खाने के नाम पर तो नहीं खाऊंगी। चलो अभी मैं आता हूँ, ठीक है 2 मिनट में, बाय कर दो। तो गाइस अभी मैं आ चुका निशा लोई घर में, और एक्चुअली हुआ क्या कि जो हमारा डिलीवरी बॉय था वो निशा लोई घर में ही मेरा सामान दे के चला गया। तो ये है जो मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से, और एक और है, और ये मैंने मंगवाया था। तो इसमें है बोया का माइक, और ये है ट्राईपॉड, अजीब सी कंपनी का नाम बोलना भी नहीं आता, क्या था निशा, लेंजी उलाला उलाला वाला है ये ट्राईपॉड, उलांजी का ट्राईपॉड है। और इसको अभी हम अनबॉक्स करते देखते हैं कैसा है रे भाई। तो गाइस अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और मेरे साथ है मेरा कैमरामैन ढोंडू है मेरे साथ ढोंडू। तो आज हम देखेंगे, बट ये जो नाम है ना इसका उलांजी, प्लीज़ कंपनी चेंज कर दो, इसका नाम उलाला वाला फिर आ रहा है। तो अभी हम करते हैं बराबर से इसकी अनबॉक्सिंग। कहाँ पर है मैं खोल के दिखाता हूँ तूने, पहले ही इसने खोल दिया है, तो बॉक्स से बाहर निकाल दिया। और इसके ऊपर जो ये हैं इसको भी हम खोलते हैं। तो कैमरामैन प्लीज़ मेरा कैमरा पकड़ लो, प्लीज़। तो गाइस ये आ चुका है अब उलांजी, इसका मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था, और इसने वेट करते करते मुझको पूरा का पूरा 5 घंटे लगा दिए हैं सुबह से, और फाइनल देखे कहाँ के निशा लोई घर पे, जबकि एड्रेस था मेरे घर का। तो ये हुआ कि जादू कैसे हो गया। तो देखिए ये है इसका कुछ बाहर का बॉक्स, बहुत ही सुंदर सा, अरे अब तो मज़ा आएगा।
ट्राईपॉड से करने का तो मजा आएगा। और मैं गरीब आदमी, दो बारी तो एसेंशियली आया घटिया घटे ट्राईपॉड, तो इस बारी मैंने कहा एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे और अच्छी करेंगे, तो मैंने ये मंगवाया है ओलांजी का। और इसमें है इसकी जन्मपत्री जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ी, आदि इसमें है पता नहीं जैपनीज है कि चाइनीज है, बट इसमें ये मिला हुआ है, इसको हमें कोई जरूरत नहीं, इसको फेंक दो। सच में ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ग्रिप भी बहुत अच्छी है, सॉलिड ग्रिप है इसकी, मतलब इसको ऐसा लगता है कि हाँ वर्थ है हमारे इसकी। हमें ये पड़ा है कितने का, 1400 समथिंग का, 48% का इसको डिस्काउंट चला था अमेजोन के ऊपर। तो गाइज ये प्रोडक्ट चाइनीज है, मुझे पता नहीं था, बट जो भी है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आई एम सॉरी भारतवासियों, मैंने चाइनीज का प्रोडक्ट लिया है, मैं इसको कभी भी प्रेफर नहीं करता, मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि ये करा था लड़की ने ऑर्डर। बट तो ये इस टाइप से कुछ है, अभी इसको मैं सेटिंग देखूँ कैसा है कैसा नहीं है, इसको हम यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे आखिर कैसा रहता है हमारा ये। बट अभी तो जो देखने में हमारे जो फर्स्ट व्यूअर्स का बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत ही स्मूथ है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, और मैं आपको दिखा रहा हूँ आज अपने आसपास का व्यू। तो ये है मेरे आसपास का व्यू और बहुत ही बेहतरीन इससे वीडियो बनने वाली है। तो नाउ अब हम चेक करते हैं कि हमारा बोया का माइक, क्योंकि हमारी आवाज़ जो होती है बहुत फटी फटी आती है, मैं बहुत सुरीला आदमी बट आवाज़ अच्छी आती है, लता मंगेशकर वाली आवाज आएगी आपके पास बोयो के माइक से। तो कम ऑन कैमरामैन, प्लीज पकड़ाओ उसको। तो गाइस ये है हमारा बोयो का माइक, और ये भी पहले ही खोल चुकी है, ये तो ये कुछ बिल हैं और जो हमें कभी पढ़ने नहीं है क्योंकि हम सब कुछ पे कर चुके हैं। और इसकी पैकिंग बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है, इसमें भी चाइनीज में ही लिखा हुआ है, कहीं चाइनीज माइक तो नहीं है, महाराष्ट्र बन रहा इम्पोर्ट BYMM1 नहीं टेक्सास। क्या हो गया, टाइम लोगे चाइना? तो गाइज ये भी हमारा चाइनीज प्रोडक्ट ही है, किस दिन वो दिन आएगा जब मैं इंडियन प्रोडक्ट को इस क्वालिटी का देखूंगा, मतलब मेरा तो बहुत मन है, मैं डेस्परेटली वेट करता हूँ कोई इंडियन प्रोडक्ट ऐसा क्वालिटी का हमारे पास मिले, बट मिलता ही नहीं, तो हमको गवर्नमेंट कहती है कि इसको यूज़ मत करो उसको, बट ऐसी क्वालिटी लेके आओ ना भाई, तब तो हम यूज़ भी ना करें इसको, तो देखूँ भी ना मैं चाइनीज प्रोडक्ट को। और ये गाइस मेरे माइक की पैकिंग और की बहुत ही अच्छी, खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। ओ वाओ, इसमें तू ऑस्ट्रिच के फर लगे हुए। तो गाइज ये है हमारा बोया का माइक और इसमें ऑस्ट्रिच का फर लगा हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से बाहर भी निकलता है शायद से, निकलता है निकलता नहीं निकलता यार, भाई गड़बड़ हो जाएगी, बस तो निकलता है बाहर ही, पता है इतना। चलो तो गाइज ये है हमारा बोया का माइक, और ये भी एक्चुअली सस्ते सस्ते भी आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो मैंने वीडियो चेक की थी उसमें बोया का माइक ही था, तो इसलिए भी मैंने बोया का माइक से रिव्यूज़ पढ़े थे और उसके बाद से मैंने इसको मंगाया है। और इसकी जो वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एक्चुअली जो फर होता है ये होता है आपका कि जो आसपास की नॉइज़ होती है सराउंडिंग की उसको ये कैप्चर नहीं करता है, और जो सीधे बोलता है सीधे उसकी वॉइस को ही लेता है ये, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बोयो का। तो ये है एक लीड, और ये एक साइड लगेगा आपका माइक के ऊपर, एक लगेगा फ़ोन के ऊपर, तो ये भी एक मिला हुआ है, और तो बेसिकली दो लीड्स दी गई हमको, और ये दिया गया हमको कवर, तो इस कवर में मैं खुद पैक हो जाऊंगा, तो इस कवर में हम इसको रखेंगे। तो ऐसे क्यों नहीं दिया इन लोगों ने, हैं ऐसे रख के हम चलेंगे इसको, और ये हमारा हैंड बैग का काम भी करेगा। तो ये हो गया माइक, आते ही छोड़ दो। तो यहाँ पर भी कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं, बोया के स्टिकर्स दिए गए, ये स्टिकर्स दिए गए, पता नहीं कहाँ लगाने हैं, देखेंगे कहाँ लगाना है इसको। और ये इसका वारंटी गारंटी कार्ड है, और ये है इसका वारंटी गारंटी कार्ड है, कुछ भी दिक्कत होती है तो आप इसके थ्रू जो भी सर्विस सेंटर होगा वहाँ पर दिखाएंगे, तो इसकी ज़रूरत है हमको इसको रख लेते हैं। और ये है पूरी बुक जो कभी पढ़नी नहीं है हमने, इसको फेंक दो। तो गाइस आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास बोया का माइक है और ये वाला ट्राईपॉड है। तो ये ओलांजी है, चाइनीज कंपनी का है, और आप इसको अमेजोन से बहुत ईजिली खरीद सकते हैं, 1400 समथिंग का था एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है मेरे को, और ये बोया का माइक पड़ा हमको 1600 रुपये के आसपास। तो कुल मिला के जो हमारी ख़रीदारी हुई है आज दिवाली के मौसम पे वो हुई है 3000 रुपये के आसपास की, तो लेकिन जो 3000 रुपये खर्च किए हमने ये बहुत ही वर्थ है, क्योंकि ये इजीली ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि जो दो मैंने एसेंस खरीदे सरोजनी नगर मार्केट से, वन ऑफ द वर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव परचेज इन माई एंटायर लाइफ, तो ये वाला सबसे बेस्ट है, तो इसको अब मैं यूज़ करूँगा, अरे वाह वाह मज़ा आएगा।
तो ये था हमारा अमेजोन का अनबॉक्सिंग। तो ये अमेजोन के ऐसे पैकेट में आता है और ऐसे करके टेप को हटाना पड़ता है। जब भी कभी भी आप अमेजोन से डिलीवरी लेते हैं तो कम से कम आपको उस समय चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर एक घंटे के बाद दो घंटे का, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे ये बोया का माइक मंगवाया हुआ है उसके अंदर रिन का साबुन निकल भी सकता है, किसी किसी को ऐसा भी देखा गया है हमने, बट हमारे साथ रिन का साबुन तो नहीं निकला है, बोया का माइक ही निकला है। तो अभी हम इसको लगाते हैं इसके अंदर और चेक करते हैं कैसा होता है, ठीक है? तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में बोया का माइक और ऐसा सेटअप करने के बाद। तो गाइस ये जो है ना फर इसके अंदर से हमें निकला है ये छोटा सा माइक, और इसको आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन ने गाया था सारा जमाना हसीनों का दीवाना, तो यही वो माइक था जो उसके हाथ में था, और तब से ये आज तक फेमस है बहुत ही ज़्यादा। और दोबारा से हम इसको अंदर डालते हैं इसके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप करके। बड़ी मुश्किल से निकाला था मैंने इसको, मैं डर रहा था कि टूट ना जाए, कुछ हुआ तो वायर वायर टूट जाती ना, बट ऐसा नहीं हुआ। और चलो अब हम इसको सेटअप करते हैं बराबर से। तो गाइस थक हार के अब निशा लगी पड़ी है इसको सेट करने में, क्योंकि हमारे बस की तो नहीं हुई। तो गाइस दूर में किसी को आता नहीं है, ये तो वही बात हो गई है कि हथियार ले लिए गए हैं और चलाना किसी को भी नहीं आता। तो मैं अपने हाथ चलाऊं जाए दो चार इसमें लगाऊं, मुझे समझ में कैसे करना है इसको, मैं समझ गया हूं। अगर यही माइक हिमेश ऋषि मेरे को दे दिया जाए और उसको बोला करे कि व्लॉगिंग करो तो कैसे करेगा, वो करेगा ऐसे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, और अभी मैं आ चुका हूँ सदर मार्केट, और यहाँ पर तेरा 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 सुरू, तो ऐसे गाने गाएगा। और ये है हमारा पूरा सेटअप, और इसमें आ चुकी है कोई कॉल। तो गाइस पूरा सेटअप करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, तो इस टाइप का ये लगता है। और साथ में जो इसका बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब कि ये कम से कम आपका जो DSLR होता है उतना हैवी जो कैमराज होते हैं उनको ये हैंडल कर सकता है इजीली, बट हमारे पास छोटा सा पोर्टेबल सा मोबाइल फ़ोन है तो इसको हमने इसमें लगाया है। और सबसे बड़ी मशक्कत हुई थी जो खोलने में, हमने सारे वीडियोस देख डाली उसके बावजूद समझ में नहीं आया हमको, तो फिर हमने एक और कोई वीडियो थी उसको देखा और उसमें बताया गया था, तब जाके हमसे खुला है ये। तो कुल मिला के अभी मेरा जो ब्लॉगिंग सेटअप है वो इस टाइप से कुछ दिखने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइज आप अगली बार से जब भी आप देखोगे तो हमारे पास होगा ये ट्राइपॉड और ये बोया का माइक लगा हुआ, और आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आएगी। इसी टाइप का सेटअप कोई भी अगर जो नया ब्लॉगर होता है, जिसकी मैं एक बहुत ही नया हूँ ब्लॉगिंग करने वाला बंदा हूँ, फ्लाइंग बीच सर की देन है, जय हो फ्लाइंग बीच सर, तो जय हो फ्लाइंग बीच सर, तो फ्लाइंग बीच सर की जो ये सारे के सारे दिन हमारे फ्लाइंग बीच सर की देन है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस लेवल तक पहुँचाया, और ये उनकी वीडियो देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो ये आज ये फर्स्ट है जो कि मतलब कि मैंने यूट्यूब को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये खरीदा है, तो आई एम सो हैप्पी। और पता नहीं अब शर्म कितनी आने वाली है मुझको भीड़ में आके इसको मिला के, बट फिर भी मैं अब इसी को ही लेके भीड़ में कूदूंगा, और अच्छा लग रहा है ना, अमीरों वाला फील आ रहा है ना, मतलब हमारे हाथ ऐसे चल रहे थे, हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस ना, अभी सुबह हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस वाह हेलो 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 हेलो। तो मुझे तो बहुत आ गया है मजा, अब मैं जा रहा हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, तो इट इज सो इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक। तो गाइस ये थी आम जिंदगी और ये है व्लॉगर वाली जिंदगी। तो गाइस अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारी बोयो के माइक, और मेरे हाथ में है उलांजी का ट्राइपॉड, और मैं अभी अपने आप को राजा महसूस कर रहा हूँ व्लॉगिंग का। और साथ में अभी निशा पढ़ रही है ये उलांजी के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो लिखा हुआ चाइनीज में, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हुए वो चाइनीज पढ़ रही है, बट मुझे तो चाइनीज आती नहीं है, तो इस चाइनीज को पढ़ने के लिए मैं रखूँगा अपने इंस्ट्रक्टर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कोई भी स्टाइल पर नया हो तो इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय। तो गाइस इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद अमेज़ॉन ने हमको एक छोटा सा थैंक यू नोट दिया हुआ है, और ये थैंक यू अमेज़ॉन को भी है जिन्होंने हमको इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया। थैंक यू, बाय बाय।